सो हे फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्राइडे का दिन है, सुबह का टाइम है और मेरी मॉर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मॉर्निंग रूटीन अभी मैं फॉलो करने वाली हूँ, जैसे कि ये ड्राई फ्रूट्स, ढेर सारा नहीं बट बहुत सारा नहीं खाना होता है, एंड ग्लूकोज वाटर। एक्चुअली सुबह सुबह मम्मी बोलते मिल्क ले लो, बट मिल्क लेने से मुझे वोमिटिंग आता है सुबह सुबह, तो इसलिए सबसे पहले मैं ग्लूकोज पानी ही पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मिल्क वगैरह लेती हूँ, एप्पल वगैरह लेती हूँ। तो बस यही है सुबह जो सबसे पहले मैं खाती हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहो, वीडियो को एंड तक देखना, एंड यस, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी मुझे दिखा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। पूजा इन द सेंस, पूजा तो मम्मी ऑलरेडी कर चुकी है, बस मंदिर में प्रणाम करने जाना है, और उधर अभी भी आ चुका है, इनको देना है चाय बना के। अभी अपना शक्ल दिखा लो बेबी। ये देखो गाइस कितना टायरिंग फेस है इसका, बिकॉज शादी में गया था। और कितना बजे आया, 2 बजे ना, 2 बजे जैसे ये लोग आया था, उसके बाद ही उसके बाद सोया। कितना बजे उठा फिर? 7 बजे। 7 o'clock को मैंने उठा दिया इन लोगों को, इसको और विक्की को, दोनों को। और इधर देखो, चाय वाय पीने के बाद इसको सो गया है, वो भी छोटा वाला सोफा में, और ये पूरा मेरा भींग चुका है। दिस इज़ नॉट पसीना, दिस इज़ पानी पानी। और ये मेरा माला। तो बस अभी मैं भी अपना चाय का वेट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने पूजा वूजा कर लिया, पूजा जो भी करना था मतलब मैंने कर लिया है, अब वेटिंग हो रहा है चाय के लिए। चाय मिल जाएगा फिर पी लेंगे, उसके बाद अपना काम में लग जाएंगे। तो ये रहा मेरा गर्मा गर्म चाय, मस्त से मैं पीने वाली हूँ अभी चाय। एक्चुअली क्या है ना, मैं चाय लवर तो पहले से ही थी, बट प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स, ओ माई गॉड, मत ही पूछो, चाय तो मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था, पीने में भी नहीं, पीने में तो छोड़ो, देखने में, स्मेल में, सब चीज़ में ख़राब लग रहा था। बट अब फिर से वापस टू माई यू नो फेवरेट थिंग आ चुका है ये। सो गाइज, अभी हो चुका है शाम, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं ऑफिस का काम थोड़ा सा कर रही थी आज, तो थोड़ा सा बिजी थी, और अभी शाम का टाइम है। अनु लोग गई है अपना मायके, बिकॉज वहाँ पे शादी है, तो अनु और पीकू वो लोग गया हुआ है, और वो लोग दोपहर में ही चले गए। उधर मुस्कान आई है बर्तन धो रही, मुस्कान देख रही है मैं क्या कर रही हूँ, वो अभी बर्तन वर्तन लगा के झाड़ू वाड़ू मार के हेल्प कर देगी मेरा, उसके बाद मैं कुकिंग करूँगी। आज कुकिंग का ड्यूटी एक्चुअली मम्मी बोली है मैं कर लूँगी, तो मैंने बोला नहीं मम्मी, आई विल टेक द इनिशिएटिव, डोंट वरी, आई विल डू इट। और मम्मी भी छत पे कपड़े वपड़े उठा रही है, मैं भी थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ, क्योंकि इसको बताना पड़ता है ये करो वो करो, खुद से नहीं करती है, इसीलिए मैं वही सब कर रही हूँ। बस यही चल रहा है, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो इधर देखो, फाइनली किचन भी हो चुका है मेरा क्लीन, सारा चीज़। अब बस मैंने आटा भी इधर लगा दिया है, मुझे बनाना है, ओह माय गॉड, रोटी। बट रोटी मैं अभी नहीं बनाऊंगी, बिकॉज अभी तो 5:30 हुआ है, बहुत टाइम है रोटी खाने को। अभी हम लोग नॉर्मली 10 बजे खाते हैं, तो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद ही मैं बनाऊंगी फिर खाना वाना। मैं गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, बट मुझे लगा चलो मैं पहले रोटी ही बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से रेस्ट करेंगे, बिकॉज अभी इतना शाम तो हुआ नहीं है। बट मुझे लगा यू नो रोटी वोटी बना के रेस्ट किया जाए तो अच्छा, वैसे भी 10 मिनट्स में मेरा रोटी बन जाएगा, बिकॉज ज़्यादा तो बनाना नहीं है, बस हम लोग 3-4 आदमी ही हैं। तो चलिए फटाफट से पहले रोटी बना लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से मूवी देखते हैं। चाय मेरा, मैंने चाय भी बना लिया है मेरे लिए, अभी के लिए मम्मी दादी सबको दे दिया है चाय। दीजिए सर चाय, ये वाला कप तुम लो ना, उसमें इसमें नहीं पीता, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये रूम में आके मतलब जन्नत मिलता है एसी की वजह से। चलिए पी लेते हैं अपना चाय। सो गाइस, इधर अंबिका आ चुकी है गाड़ी में हॉस्पिटल के। बाबू कुछ बोलो, अपना फीलिंग्स वीलिंग्स बताओ। चलिए गाइस, थोड़ी देर में निकल रहे हैं, मम्मी लोग आ रही है, फिर निकल रहे हैं हॉस्पिटल हम लोग। तो गाइस, इमरजेंसी माना पड़ा था सदर हम लोग को, अब हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, तो झोला झपट्टा सब हम लोग पैक करके आ गए थे, क्योंकि विद बटालियन पहुँच गया था, मतलब हम लोग 8-10 आदमी पहुँच गए थे सदर। वेटिंग फॉर आशु गोइंग बैक होम। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो जस्ट मैं अभी सो के उठी हूँ। एक्चुअली रात में पता नहीं यार, मतलब इतना अनबेरेबल दर्द था ना, मैं ये सोच रही हूँ वो लीवर पेन नहीं था, और लीवर पेन कैसे होता होगा, माय गॉड कितना डेंजर दर्द था। अब मेरे आँखों से और मेरे फेस से पता कर सकते हैं, इतना खतरनाक वाला दर्द था।
मैं तो इमेजिन भी कर करके सोच नहीं पा रही, पता नहीं लेबर पेन कैसे होगा, मैं वो बेयर कर पाऊँगी या नहीं, या फिर मैं खुद ही बोलूँगी नहीं नहीं भैया ऑपरेशन कर दो, मैम ऑपरेशन कर दो, ये दर्द मुझसे नहीं सहा जाता। देखते हैं यार जो होगा, भोलेनाथ का कृपा से अच्छा ही होगा। बस मैं ये प्रे कर रही हूँ यार हर एक चीज़ अच्छे से हो जाए। तो चलिए गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो कैसा बना कैसा नहीं, कितना बड़ा कितना छोटा मुझे कुछ भी नहीं पता, बट जो था यही था। अचानक से हमें जाना पड़ा हॉस्पिटल। मैं कितना परफेक्ट थी यार, मतलब रोटी बनाने तक मैं ठीक थी, उसके बाद सडन मुझे पेन हो गया और वो पेन बहुत ही डेंजर वाला पेन था। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। हर हर महादेव। बाय गाइस।